रमेश जालना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए सर। सर जी मैंने IRFC के 1100 शेयर लिए 33.50 रुपए के भाव से, अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ क्या सेल करूँ? सर जी क्या करें, IRFC बहुत चल रहा है रेलवे वाले आजकल। नहीं देखिए, रेलवे स्टॉक्स तो अच्छे चल रहे हैं, आई थिंक जब तक मोमेंटम है और उस पूरी स्पेस चल रही है, जब पूरी स्पेस चलती है तो आप का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पूरी स्पेस चल रही है तो आई थिंक बने रहना चाहिए, ट्रेड में निकलने की जरूरत नहीं है। बड़ा थॉट यही है कि यहाँ पे भी ट्रेड्स को एग्रेसिव रखें, बहुत टाइट रखें और बाजार के एकदम करीब नीचे चलें, बहुत ज्यादा लंबा स्टॉप लॉस भी रखने की जरूरत नहीं है ट्रेलिंग। तो आई थिंक मुझे जो यहाँ पे अभी इमीडिएट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो दिख रहा है, जो इनको लगाना चाहिए, वो मुझे लगता है कि कहीं 48 के 38 के आसपास लगाना चाहिए। तो आई थिंक 38 रुपए के आसपास 38-40 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं और मेरे हिसाब से ट्रेंड बने रहे। 38.40 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रमेश जी इस पर बने रहिएगा, आपका तब भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगा, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट थोड़ा शेकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान होने लगे। इस समय तो अच्छा बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं 43-45 पे। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस बीच बाजार निफ्टी 50 पॉइंट नीचे 19477 पर ट्रेड करा और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे कामकाज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।